धार जिले के थाना सागौर क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब परिवहन करते हुए पुलिस ने एक कार से 28 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब परिवहन कर रहे दो आरोपियों को पुलिस ने मौके पर पकड़ा है। अवैध शराब कार में सागौर कुटी चौराहे से ग्राम सागौर ले जाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से अवैध शराब पकड़ी। लगातार पुलिस को अवैध शराब परिवहन की सूचना मिल रही थी। नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन के बाद सागौर थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि लगातार अवैध शराब परिवहन की सूचना मिल रही थी, जिसके पश्चात थाना प्रभारी सागौर द्वारा पुलिस की टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर सागौर कुटी चौराहे से सागौर की तरफ आ रही एक सफेद कार होंडा सिटी कार को रोककर चेक किया गया तो कार की डिक्की में 28 पेटी अंग्रेजी शराब रखी हुई मिली, जिसकी कीमत करीब 2.25 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं अवैध शराब परिवहन करते हुए मौके से पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। आया है, क्या है पूरा मामला? विगत कुछ समय से अवैध शराब परिवहन की सूचना मिल रही थी, जिस पर कि थाना सागौर के अंतर्गत थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर चेकिंग हेतु लगाई गई थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर एक सागौर कुटी की तरफ से एक एक्सेंट हुंडई की कार, जिसमें कि 28 पेटी शराब रखी हुई थी, और उसको चेक जब रोका गया पुलिस के द्वारा, तो उसमें से 28 पेटी शराब बरामद हुई, तो साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें। Subscribe now to most exciting channel ever.